गुजरात के इलाके डंगा में घरेलू तनाजे पर चार भाइयों ने मिलकर भाभी की नाक काटकर शदीद जख्मी कर दिया। इस इंसानी अफसोस वाकये की मजीद तफसीलात बता रहे हैं गुजरात से आमिर भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। लेसनावाला के रिहायशी ट्रक ड्राइवर अक्रम को उसके भाई फरमान, जमान, जमशेद और एहसान की तरफ से दबाव था कि वो अपनी बीवी उज्मा को तलाक दे, जबकि ये चारों भाई उज्मा को भी जबरदस्ती घर से निकल जाने का कहते रहे। अपनी दोनों कोशों में नकामी पर जालिमों ने औरत की इज्जत और तकद्दस को पमाल करते हुए छुरियों के वार करके उज्मा का नाक और हाथ काटने की कोशिश की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। उज्मा को शदीद जख्मी हालत में अजीज भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो अब अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा नाक और हाथ में जख्मों की सूरत में भुगत रही है। घर को नहीं थी, सुबह का टाइम 7 बजे था, बच्चा दूध लेने गया थे, दरवाजा खुला थे, अंदर आ गए, आके छुरियां लेके वट टूक के बच्चे ने गोले रोला पाया, बाहर दरवाजे की कुंडी चाड़ गए, पर्चा दिता पुलिस वाले ने, उन्होंने ढेड़ पा लिया ना, पुलिस वाले ने फड़ दे ने ना गल ना कर। उज्मा के खामद के मुजम उसके अपने ही भाई हैं, उसका मुतालबा है कि हुकूमत उसे इंसाफ दिलाए। मैं तो यही चाहना शहबाज शरीफ ना मेरे इंसाफ दे, मनु बड़े दावे ना कह रहे ने ना बिली असी इंसाफ करना चाहने, ठीक है तो साडा भी यही दिल इंसाफ होवे बस, और कुछ भी ना होवे। थाना डिंगा पुलिस ने उज्मा के खामद की दरखास्त पर उसके चार भाइयों फरमान अली, मोहम्मद जमान, जमशेद और एहसान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वाकया में मुलव्वस दीगर दो मुलजमान फरार हो चुके हैं। उज्मा पर होने वाला तशद्दुद का ये वाकया पंजाब समेत मुल्क भर के पसमानदा इलाकों में घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वाली मजलूम खवातीन की तादाद में एक और इजाफा की अक्कासी करता है। आमर भट्ट, ARY1 वर्ल्ड, गुजरात।